अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइबर रिंग्स यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हमजा फवाद। इस लेक्चर में आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू यूज़ नेक्स्ट टूल्स, हाउ टू इंस्टॉल इट। आज हम ये दो तरीके सीखेंगे कि हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ करवा देते हैं। सबसे पहले इसको मैं जान लेता हूँ कि ये नेक्स्ट टूल्स किसके लिए बना है और किस तरह काम करवा लेते हैं। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आप कहें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप को वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करके मिलेगा। इसके जो मेथड है, तरीक़ार है, वो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे टूल्स है जो आपके लिए वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करवा देते हैं वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर का मतलब ये है कि इसमें कौन सी अपाची चल रही है या कौन सी वेब चल रही है इसके ऊपर, या कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, वो आपको फटाफट बता देते हैं। चाहे वो डेटाबेस का वर्जन क्यों ना हो, रो कॉलम्स, डेटाबेस, सब कुछ आपके लिए फाइंड करवा देते हैं। सो यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन सीखते हैं कि हम किस तरह इसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा सुरू apt hyphen install, और ये रिमूव करके या फिर लिखो नेक्टो हाफ एन वाई। जब ये प्रेस करो ना, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। सो फिर से मैं ट्राई करवा लेता हूँ। यहाँ पर अपने रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, देखे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया, इसका वर्जन ही चल रही है। सो रन करने का तरीका ये भी है, आप यहाँ से भी आप रन कर सकते हो ईजी तरीके से। अगर आप ये देखें, ये वाला, ठीक है, आपको मिलेगा। यहाँ पर सर्च भी करो नेक्टो, आपको ये भी मिलेगा। यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल भी है खाली लिनक्स में। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये तरीके से, ठीक है। और आपने यूज़ करना किस तरह है, आपने नेक्टो लिखना है हेल्प, एंटर प्रेस करें तो आपको डिफरेंट टाइप को हेल्प मिलेगा यहाँ से। सो हम सिंपल कर लेते हैं, बाकी आप टास्क खुद कर ले, सिर्फ तरीका बता दीजिए आपने यूज़ किस तरह करने है। मैं ये लग आउट, सॉरी, जूम आउट करवा देता हूँ ताकि आपको इसी तरीके से समझ आ जाए। मैं न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगेन में टाइप कर लेता हूँ नेक्टो, नेक्ट हो, थोड़ा जूम करवा लेता हूँ। सबसे पहले सिंपल तरीका इसके लिए ये है कि ये एच स्टैंड फॉर होस्ट। जो पर आपने जो भी लिखना हो तो आप इसी तरीके से टाइप कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल किया है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है डोमेन लाइक फेसबुक, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये मल्टीपल APIs आपको फाइंड करके देगा, तो थोड़ा टाइम लेते हैं। अच्छा, इसका सर्वर जो है ये चल रहा है इसके ऊपर, प्रोगन बोल्ट, ठीक है, इसके ऊपर ये सर्वर चल रहा है। सो अगर आप यहाँ पर तो वेट करें तो काफ़ी टाइम लेगा, ये लाइफ टाइम तक चलेगा, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, ठीक है। अगर मतलब कि इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रही तो आप लोग को प्रिंट करेगा, वल्नरेबिलिटीज़ को प्रिंट करेगा, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। चलो एक और तरीका हम सीख लेते हैं, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। यह से भी आप हेल्प चेक कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, डेटाबेस चेकिंग वगैरह। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी हल निकाला है, मैं दिखा देता हूँ, ज़रा ऊपर चले जाए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फाइंड करना है प्लगइन्स, किसी वर्डप्रेस का प्लगइन फाइंड करना है, तो आप ये तरह भी फाइंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ये वाला प्लगइन्स, ये सेम से सेम ये तरीका है इसके लिए भी। तो आप यहाँ पर डोमेन, अपना डोमेन को टारगेट कर दे, एंटर प्रेस करें, तो ये काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। इसके लिए भी ये सर्वर चल रहा है, क्योंकि ये एक ओनर का है, एक इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक ओनर का है, तो
तो इस वजह से इसका एक वो आ रही है इसके ऊपर सर्वर। तो कोई रिज़ल्ट हमको ठीक से नहीं मिला, मैं अदर को ट्राई कर लेता हूँ। akarwan.com ठीक है, और ये काफ़ी टाइम शायद लेगा। देखिए इसका सर्वर अभी चेंज है, क्लाउड फ्लावर है। सो इस तरीके से आप और भी चेक कर सकते हो। इसका कोई मतलब ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए मतलब नहीं मिल रहा। सो आप मेथड भी चेक कर सकते हो कि इसके ऊपर कौन सा मेथड चल रहा है, पोस्ट है, गेट है, डिलीट है, कौन सा मेथड है। सो इसके ऊपर मैं मेथड भी चेक कर सकता हूँ। मेथड इससे आप हेल्प ले सकते हो, मेथड पोस्ट या जो भी है चेक कर लेते हो कि इसके ऊपर कौन सा मेथड चल रही है। ये आई थिंक शो नहीं करवा लेते क्योंकि इसमें कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कैपिटल करवा लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें कोई लॉजिकली एरर है तो मैं क्लियर करवा देता हूँ। नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेशन के लिए, अगर आपने देखना होगा SSL सिक्योर सेल सर्टिफिकेट, इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ। SS हाफ अनकैपिटल C, और लास्ट में आपने आल लिखना करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आल के लिए फाइंड करवाना है। तो ये देखेगा आपके लिए कि इसमें कौन सा सर्टिफिकेशन, इसमें प्रूफ है या प्रूफ नहीं है सर्टिफिकेशंस, इसका सर्वर जो है वो सिक्योर है सिक्योर नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये आई थिंक सिक्योर है क्योंकि इसको सर्टिफिकेशन मिला है, ये लाइफ टाइम तक चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड भी कर सकते हो। ये मैं अच्छा और भी आप देख सकते हो, ये भी मेथड है नेक्टो हाफन इसलिए ये भी आप खुद ट्राई कर ले, और इसके सिवा और भी टाइम के लिए भी आप सेट कर सकते हो, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसके सिवा फॉर्मेट भी ट्राई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने ट्राई किया, इस फॉर्मेट आपको मिल सकता है, चाहे वो भी टेक्स्टी है, HTML फाइल क्यों ना हो, आपको इस तरीके से मेल कर सकता है। अगर आपने एडमिन का पासवर्ड मालूम करना होगा तो ये वाला आपने फाइंड करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं कमांड लगा लेता हूँ। ये और इसके लिए और भी तरीका है, आप यूज़ कर सकते, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप आ जाए तो ID, अगर आप देखें यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। ठीक है, हाफन ID या पर इसका पैरामीटर सेट करना, इसके लिए सेम यही तरीका आप CSVC कर सकते हो। एडमिन लिख या पर और साइड में पासवर्ड लिख दे, अगर टेक हुआ पासवर्ड तो खुल जाएगा, अदरवाइज सॉरी पासवर्ड, अगर इसका पासवर्ड जो भी हो आप लिख सकते हो। यह पर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, जिस तरह के मैं लिख लेता हूँ एडमिन 1 2 3 4 5 up to 100 तक आप लिख सकते हो। इसका आई थिंक रूट नहीं मिल रहा, ये पासवर्ड गलत है। अगर पासवर्ड ठीक हो तो आपके लिए फाइंड कर देगा, हाँ ये पासवर्ड ठीक है या गलत है। ठीक है, सो ये जो था नेक्स्ट टूल्स। अगर इसके बारे में आप और मजीद करना चाहते हो, मतलब लर्निंग चाहते हो, आप मेरे साथ काइंडली कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और भी नॉलेज शेयर करूँगा। ये जो था नेक्टू टूल्स, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।